स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आप सबको गोरखपुर महानगर में बनने वाले 8 लेन के पुल पर आज मैं आप सबको कंस्ट्रक्शन अपडेट देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही गोरखपुर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर वीडियो देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों मैं काफ़ी अच्छी खुशखबरी बता दूं दोस्तों, तो वो खुशखबरी ये है कि गोरखपुर शहर में जो अपना राजघाट पुल है यहाँ पर जो है कि अब 8 लेन पुल का जो है कि तोहफा शहरवासियों को मिलने जा रहा है। और फाइनल दोस्तों अभी हम आ चुके हैं इसी राजघाट के पुल पर। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर 2 फ्लाईओवर यानी कि 2-2 लेन के 2 फ्लाईओवर पहले से यहाँ पर मौजूद हैं यानी कि 4 लेन हुआ, जबकि प्रशासन के तरफ से 2 और नया पुल बनाने के लिए जो है कि बजट मंजूर कर लिया गया है। यानी कि 2-2 लेन के 2 और पुल जो है कि बनने जा रहे हैं, उसके बाद जो है कि यहाँ पर 8 लेन का शानदार पुल जो है कि शहरवासियों को मिलने जा रहा है। और ऐसे दोस्तों अपने पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी 8 लेन का पुल जो है कि अभी मौजूद नहीं है, ऐसा फर्स्ट टाइम जो है कि गोरखपुर में जो है 8 लेन का पुल जो है कि बनकर तैयार हो जाएगा। तो इससे जो है कि इस पुल से होकर गुजरने में आने जाने में काफ़ी ज़्यादा सुविधा होने वाली है। और बता दूं कि ये जो दो नए पुल बनने वाले हैं इनकी चौड़ाई की अगर बात की जाए तो लगभग 8.25 यानी कि लगभग 8.5 मीटर के जो है कि ये दोनों पुल जो है कि बनने वाले हैं, जबकि पहले से भी जो है कि 2 पुल मौजूद हैं यहाँ पर 2-2 लेन के। और फाइनली यूपी गवर्नमेंट ने जो है कि बजट की मंजूरी दे दी है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि महज 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर जो है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का भी काम जो है कि स्टार्ट करा दिया जाएगा। और बता दूं कि लंबाई जो है महज 400 मीटर ही होने वाली है। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ी खुशखबरी होगी अपने गोरखपुर वासियों के लिए। और बता दूं कि अपने गोरखपुर के पुराने शहरी क्षेत्र में यानी कि जो अपना धर्मशाला से लेकर घंटा घर होते हुए पांडेहाता तक का जो विरासत गलियारा जो बनने वाला है, तो बता दूं कि उसकी भी मंजूरी जो है कि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से मिल चुका है और बहुत जल्द जो है कि काम भी जो है कि स्टार्ट करा दिया जाएगा। और अब दोस्तों मैं आप सबको बता दूं, ये जो आप मैप के व्यूज जो मैं आपको दिखा रहा हूं यही है अपना गोरखपुर का राजघाट पुल, और आपको इसमें 2-2 लेन के 2 पुल जो है कि दिखाई दे रहे होंगे। और बता दूं कि ठीक इन्हीं दोनों पुल के जो है कि बगल में जो है कि 2 और पुल जो है कि बनने जा रहा है। ये जो आप देख रहे हो ये जो येल्लो लाइन जो आप देख पा रहे होगे तो कुछ ऐसा ही जो है कि बनने वाला है, 2-2 लेन का 2 और पुल हो जाएगा। टोटल जो है कि 8 लेन का पुल जो है कि शहरवासियों को मिल जाएगा। और बता दूं कि जो भी बाहर के लोग या फिर शहर के भी लोग जो जैसे ही शहर में एंट्री करेंगे तो उनको किसी बड़े महानगर यानी कि दिल्ली जैसे शहर में होने का भी एहसास होने वाला है, क्योंकि जैसे ही वो 984 आगे राजघाट पुल पर आएंगे उनको काफ़ी शानदार 8 लेन का पुल जो है कि मिलेगा। और 8 लेन पुल पर ट्रेवल करने के पश्चात जैसे ही वो 8 लेन पुल से नीचे उतरेंगे तो वहीं से जो है कि ट्रांसपोर्ट नगर वाला 6 लेन फ्लाईओवर जो है कि स्टार्ट हो जा रहा है। यानी कि दोस्तों फिर वो लगभग 2.5 किलोमीटर जो है कि 6 लेन फ्लाईओवर वाला ट्रेवल करने के पश्चात फिर जब वो 6 लेन फ्लाईओवर से नीचे उतरेंगे उसके बाद वो पैडलेगंज चौराहे तक जो है कि 6 लेन रोड का लुफ्त उठा सकेंगे। तो दोस्तों यूँ कह सकते हैं कि इधर का जो एरिया है पैडलेगंज चौराहे से लेकर 964 चौराहे के बीच का जो पूरा एरिया है किसी मेट्रो सिटी से कम नहीं होने वाला है। तो दोस्तों अब अपने शहर में जो है कि पुलों से लेकर फ्लाईओवर्स का हर क्षेत्र में जो है कि बजट जो है कि मिलता ही जा रहा है। अभी रिसेंटली 2 पुलों का भी काम जो है कि स्टार्ट हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा जो है अपना धर्मशाला चौक से लेकर जो है घंटाघर पांडेहाता तक वाली जो सड़क है यानी 3.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क का जो है कि 555 करोड़ रुपए का बजट जो है मंजूर कर लिया गया है। तो दोस्तों इसका भी काम जो है बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। यानी कि अपने शहर में जो है दोस्तों बजट की तो जो है कि बारिश ही हो चुकी है। यानी कि दोस्तों अगर पिछले 10 दिनों की बात की जाए दोस्तों लगभग 3000 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि की जो परियोजनाएँ हैं वो परियोजनाएँ जो है कि गोरखपुर को जो है कि तोहफे के रूप में जो है मिल चुकी हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस प्रोजेक्ट को जानने के बाद आपको कैसा एहसास हुआ। तो ये काफ़ी बड़ी खुशी की बात होगी अपने गोरखपुर वासियों के लिए, गोरखपुर से पूरे पूर्वांचल वासियों के लिए कि अब अपने गोरखपुर में जो है कि अब 6 लेन 8 लेन अब कोई बड़ी चीज़ें नहीं रह चुकी हैं। और तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में फिर किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों।